कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा एक्सरसाइज 3E के बारे में। और एक्सरसाइज 3 इज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमने दो तरीके मैंने कल बताए थे आपको। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम बात कर रहे थे बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपकी, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो आपका स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है उसी पर पूरी डिपेंड है। अब आपकी जो आरएस अग्रवाल की बुक आप सभी के पास में होगी, आरएस अग्रवाल की जो बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 इट आ टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको एक नंबर गिवन है बेटा, नंबर क्या गिवन है आपको, 2509। ये एक नंबर आपको गिवन है, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर यानी छोटे से छोटा ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इस नंबर से क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्या किया जाए बेटा, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि रिजल्टेंट नंबर क्या बन जाए आपका, परफेक्ट स्क्वायर। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, वो नंबर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होगा। एंड थर्ड वन इज उस रिजल्टेंट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा आपका, उसका स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप ध्यान रखना, अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि लीस्ट नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए स्पेशली कि आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें ताकि ये नंबर कैसा नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तब भी कहेगा हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी आपका ऐड करने के लिए कहेगा या सब्ट्रैक्शन के लिए कहेगा, तो हमेशा इसका क्या कर देंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, जो भी आपका गिवन नंबर होगा उसके पेयर्स आप बना लेंगे, और पेयर्स जो बनाएंगे आप लास्ट की तरफ से बनाएंगे। जैसे दो दो के पेयर बनाएंगे, 09 का पेयर बनेगा और 25 का पेयर बनेगा आपका। अब आपको जिस तरह से डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसमें चलना है, लेकिन एक कंडीशन है वहाँ पे जो हम चलते हैं, जैसे किसी नंबर को हमें 17 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 3 हमने क्यों चलाया, 5 4 हम क्यों नहीं ले गए, क्योंकि 5 4 20 इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको कुछ इसी फॉर्म में चलना है, लेकिन यहाँ पर हम चलेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में चलेंगे बेटा, स्क्वायर की फॉर्म में चलेंगे। हम किस तरह से चलेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे 2 2 4 लेस देन है, 3 3 9 लेस देन है, 4 4 16 लेस देन है, 5 5 25 इक्वल है। अगर इक्वल नहीं आता तो लेस देन लेते हैं हम, 5 5 आपका कितना होता है बेटा, 25। तो 5 5 आपका 25, 5 25 से 25 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0। तो आप पूरा पेयर कॉपी करेंगे यहाँ पर किसका, 09 का, और 5 और 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 10। इन दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया बेटा, फर्स्ट नंबर जो भी होगा वहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म इस तरह से चलानी है कि स्क्वायर करने पर इस नंबर से लेस देन या इसके इक्वल टू नंबर आए। तो यहाँ पर हमने 4 4 16 3 3 9 नहीं चलाया, इसलिए हमने 5 5 25 इसके इक्वल है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में 5 5 25 5 को यहाँ पर राइट डाउन किया। इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। अब अगर मैं यहाँ पर 1 तो अपोन में भी क्या आएगा, 1, इस तरह से मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर आपका 2 तो अपोन में भी क्या, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2, या आपका चलाऊंगा मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से कैलकुलेशन आपकी चलेगी। लेकिन अगर मैं 1 और 1 यहाँ पे 101 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आएगा 101, तो वो तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इट मीन्स दैट आगे ये डिवाइडेशन इसका नहीं चल सकता, यानी ये 09 इसका क्या आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। यानी ये जो नंबर है ये 09 इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, 09 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। यानी इस 09 को अगर इस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस नंबर से अगर हम
तो लीस्ट नंबर यहां पर लिखेंगे बेटा, लीस्ट नंबर टू बी, लिस्ट नंबर इक्वल टू 09, लिस्ट नंबर टू मेक लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, टू बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका बेटा 09। यानी 09 ऐसा नंबर है जो इस नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो रिजल्टेंट नंबर क्या आएगा 2509-09। तो आपका रिजल्टेंट नंबर क्या आ जाएगा बेटा 2500। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। अब उसने कहा था आपसे कि जो आपका रिजल्टेंट नंबर होगा आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो अगर हम 2500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें तो फिर वही बात, पेयर आप लास्ट, और ज़रूरी नहीं है आप इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इजी है। आप दो तीन बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, दो से तीन बार, तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 5 5 जा 25 बेटा 5 5 जा 25। अब यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 10। अब यहाँ पर जो पेयर आएगा बेटा, यहाँ पर पेयर आएगा 00 का। अब अगर 00 आ गया यहाँ पर तो आगे जाएगा ही नहीं, तो एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये 00 का पेयर उतार लेंगे, तो ये पूरा किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 50। यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका किसका, ये 2500 का। तो आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर आ चुके हैं। सबसे पहला वो ऐसा लिस्ट नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए 2509 से, तो वो लिस्ट नंबर है बेटा आपका 09। आपका परफेक्ट स्क्वायर रिजल्टेंट नंबर कौन सा आएगा वो माइनस करने के बाद 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 50। आइए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार। आपके पास बुक होगी, अदरवाइज आप बुक नहीं तो मैं इसकी क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में या किसी अदर वे में, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। देखो ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही है, देखते हैं। आपका नंबर गिवन है 7581, 7581 एक नंबर है, इस आपसे पुटअप किया गया है, इसमें ऐसा लीस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो ये नंबर है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर वही बात मैंने बताई है आपको कि 7581 का आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से पेयर लास्ट से पेयर बनाएंगे आप, लास्ट से पेयर बनाएंगे और किसकी फॉर्म में चलेंगे आप, स्क्वायर की फॉर्म में चलेंगे। 2 2 जा 4 लेस देन है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब देखो 81 ज़्यादा हो गया 75 से, तो हम क्या यहाँ पे जो राइट डाउन करेंगे 8 8 जा 64, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 9 लेट करते हैं तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इससे ग्रेटर तो होना नहीं चाहिए, इसके लेस इक्वल हो या लेस देन हो, तो 8 8 जा कितने आए बेटा 64। 75 से जब आप 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा बेटा आपका 11, यानी 11 आएगा आपका। अब आप 8 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अब यहाँ से आप इसका पेयर कॉपी कर लेंगे 81 का। अब यहाँ पर आपको इस तरह से चलाना है कि इस नंबर से छोटा नंबर आए मल्टीप्लाई करने के बाद, सपोज दैट आपको यहाँ पर 3 3 जा चलाएं, 4 4 जा चलाएं, 5 5 जा चलाएं। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हम कैसे चेक करेंगे कि ये यहाँ पर 3 3 जा चलाएं, 4 4 जा चलाएं, 5 5 जा 6 6 जा। तो उसके लिए बेटा एक चीज़ ध्यान से समझना, आपका यहाँ पर क्या है, ये 160 है, यानी आप 16 का टेबल पढ़िए, 16 7 जा होते हैं 112, और ये कितना है 118, यानी लगभग 7 टाइम्स चल जाएगा आपका, लगभग कितने टाइम्स चल जाएगा 7 टाइम्स, देखते हैं 7 टाइम्स चलता है नहीं चलता है।
तो आप यहां से क्या करेंगे, 7 टाइम्स 7, 7 जा 49, 7, 7 जा 49, कैरी कितना हुआ 4, 7, 6 जा 42, 42 और 4, 46, कैरी 4, 7, 1 जा 7 और 4, 11 हो जाएगा। तो अगर आप 8 टाइम्स चलाते हैं यहाँ पर तो वो ग्रेटर देन हो जाता। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सेम नंबर आएगा, यानी स्क्वायर की फॉर्मेट आपकी चलेगी। देखिए 11 से 9 माइनस करेंगे तो 2 और 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1, यानी आपका रिमाइंडर निकल के आया बेटा, रिमाइंडर कितना निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया बेटा आपका 12। यानी अगर ये 12 नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर तो ये क्या बन जाता आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्या बन जाता बेटा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसका मतलब जो लीस्ट नंबर है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वो लीस्ट नंबर क्या है आपका, लीस्ट नंबर है वो 12। अगर इस नंबर से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए नंबर क्या आएगा, नंबर जो आएगा 7, 5, 8, 1 माइनस 12। तो यहाँ से आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7, 5, 6, 9। यानी वो जो नंबर निकल के आया बेटा आपका कितना आया, 7, 5, 6, 9। अब इस नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो देखते हैं 7, 5, 6, 9, ठीक है, या इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, इधर की साइड यहाँ पर अभी स्पेस है, 7, 5, 6, 9, 7, 5, 6, 9। यहाँ पर पेयर बनाएंगे बेटा आप, वही 8, 8 जा 64, 8, 8 जा 64। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ पर आपका 69, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अभी आपने कितना चलाया था यहाँ पे, 7 टाइम्स चलाएगा तो 7 टाइम्स आप चलाएंगे तो क्या आएगा, 1169। इट मीन्स दैट 8 और यहाँ पर क्या कॉपी कर देंगे आप, 7। तो ये इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 7, 5, 6, 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा बेटा, 87। यानी 87 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पुटअप कर सकते हैं क्लास में, या कॉल या मैसेज से आप पुटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।